दोस्तों आप लोगों को हमारे देश के प्राइमरी स्कूल्स की हालत तो पता ही होगी। यहाँ पर पहले तो अच्छे से बच्चों के लिए पढ़ाई के साधन नहीं होते थे, लेकिन सरकार की नई नई योजनाओं के बाद अब पर्याप्त साधन होने के बावजूद प्राइमरी स्कूल्स की हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही है। अभी हाल ही में एक स्कूल में कलेक्टर साहब ने जब छापा मारा और वहाँ के शिक्षकों की क्लास लगाई तो वह देख कर हैरत में पड़ गए कि आखिर ये शिक्षक एमए बीए की डिग्री लेने के बाद भी इतना सा काम नहीं कर पा रहे। वैसे भी पहले प्राइमरी स्कूल्स के टीचर मात्र स्कूल में आकर सोने का काम ही करते थे। अभी हाल ही में यूपी के चुनाव जिले उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के डीएम देवेंद्र पांडे शुक्रवार को चौरा गांव स्थित एक सरकारी स्कूल में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे। जांच के दौरान डीएम देवेंद्र पांडे को आश्चर्य हुआ जब स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाने वाली महिला शिक्षक अंग्रेजी की कुछ पंक्तियों को भी नहीं पढ़ सकी। यही नहीं, उनकी कक्षा के बच्चे भी अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते थे। डीएम ने महिला शिक्षक को निलंबित करने का आदेश दिया। स्कूल में निरीक्षण के दौरान डीएम और बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रदीप कुमार पांडे ने कुछ बच्चों को एक अंग्रेजी पुस्तक पढ़ने के लिए कहा। जब बच्चे किताब नहीं पढ़ सके तो उन्होंने कक्षा 6 से 8 तक की अंग्रेजी की शिक्षिका को बुलाया और छात्रों के सामने ही उन्हें एक लाइन पढ़ने को कहा जो कि शिक्षक ही उन बच्चों को पढ़ा रही थी। लेकिन जब कलेक्टर साहब ने उनसे उस लाइन को पढ़ने के लिए कहा तो वो नहीं पढ़ सकी। इसके बाद डीएम ने स्कूल के अन्य शिक्षक से भी इस अध्याय को पढ़ने के लिए कहा। दूसरी शिक्षिका ने कहा कि वह घर पर अपना चश्मा भूल गई थी, इसलिए वह पढ़ नहीं पाई। शिक्षकों की इस लापरवाही पर डीएम नाराज हो गए और दोनों शिक्षकों को निलंबित करने का आदेश दिया है। डीएम ने शिक्षकों से कहा है कि मैं आपसे अनुवाद करने के लिए नहीं कह रहा हूं, बस एक पाठ पढ़ने के लिए कह रहा हूं। शिक्षक होने के बावजूद आप पढ़ने में सक्षम नहीं है। आपने बीए किया हुआ है, किसी ने बीटीसी और किसी ने एमए, इसके बावजूद भी आप अंग्रेजी की यह साधारण सी लाइन नहीं पढ़ सकती। डीएम देवेंद्र पांडे ने बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रदीप कुमार से शिक्षकों को तत्काल निलंबित करने को कहा है। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों ने डीएम के इस कदम की प्रशंसा की है। यह घटना उन्नाव के सिकंदरपुर सरसी सरकारी स्कूल की है। तो दोस्तों प्राइमरी स्कूल्स के इस तरीके के शिक्षकों के बारे में आप लोगों की क्या राय है, और अगर आपके स्कूल्स में भी इसी प्रकार के शिक्षक हैं तो तुरंत इसकी शिकायत बेसिक शिक्षा अधिकारी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास कीजिए। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे भी ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजाना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।